नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु योजना के बारे में और बात होगी व्यावसायिक डेयरी की स्थापना और उसके प्रबंधन के बारे में। विषय आपने जाने, इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज आपको जानकारी देने के लिए जो दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एचआर खन्ना जी, आप संयुक्त आयुक्त हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एमएल कांपोज जी जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई करनाल में। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान में। और जैसा हमने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु योजना की तो लगातार कोशिश हुई ना सिर्फ कृषि बल्कि उसका जो पूरक है पशुपालन उसको भी और सशक्त किया जाए, मजबूती दी जाए, और इसी के लिए हमने देखा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है इसको भी बनाया गया जहां पर हर नीति जो है इस तरह की रहती है कि जो पशुपालक हैं कैसे उनको फायदा मिल सकता है। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर खन्ना आपसे हम यहां जानकारी लेना चाहेंगे, जब हम एक योजना को लेकर चलते हैं राष्ट्रीय कामधेनु योजना की जब हम बात करते हैं किस तरीके की योजना और कैसे जो पशुपालक हैं उनके लिए ये लाभकारी है। जी, जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके से निर्माण किया गया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का और यही अब आयोग है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे ना सिर्फ पशुपालन क्षेत्र में अच्छी अच्छी नीतियां आ सके और पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके। आगे भी इस बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। Thank you.
तो हम कह सकते हैं कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ जो पशुपालन क्षेत्र है वो अब अग्रसर है। और आइए अब यहाँ रुक कर लेते हैं डॉक्टर काम्भोज जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर काम्भोज, जानना चाहेंगे आपसे, जब भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की या कैसे पशुपालन के जरिए हम अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं, और जब यहाँ डेयरी व्यवसाय को देखा जाता है एक व्यवसाय के रूप में जो उसको युवा खासतौर से स्थापित कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभकारी ये किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए? जी 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 बिल्कुल। किस तरीके से व्यावसायिक हो चुकी है और कितना फायदा इसमें सामान्य रूप से डेयरी, और जब हम व्यावसायिक स्तर पर बात करते हैं इस पे बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। तो जाना आपने, अगर आप व्यावसायिक स्तर पर डेयरी लगाते हैं तो क्यों प्रशिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है, और उसके लिए प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी है जिससे और ज़्यादा मुनाफा जो है आपको उस डेयरी से हो सके। लेकिन जब बात यहाँ डॉक्टर खन्ना हम मुनाफे की करते हैं तो जाहिर तौर पर पशुपालन और कृषि दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं, और जैसा आपने कहा कि जो पशुपालक हैं या देश में जो पशुपालन क्षेत्र की स्थिति थी उसको और बेहतर करने के लिए इस योजना को लागू किया गया, राष्ट्रीय कामधेनु योजना को, कितना बदलाव अब हम देख रहे हैं? क्योंकि अगर अब से करीब पिछले 10 सालों की बात की जाए और आज के समय की बात की जाए, क्या कुछ नया एक बदलाव पशुपालन क्षेत्र में? जी 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 जी
जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से योजना है इसकी शुरुआत की गई, लेकिन साथ ही डॉक्टर खन्ना अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि क्या उद्देश्य था इस योजना का, आज के समय की अगर बात की जाए तो अलग मंत्रालय हमने देखा, अलग विभाग जो है बाकायदा पशुपालन क्षेत्र के लिए है और तमाम उम्मीदें रहती हैं पशुपालकों की। और हाल ही में जिस तरीके से जो हमारे KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड है उसके जरिए भी कोशिश की जा रही है कि जो किसान है वो पशुपालन क्षेत्र में अगर अग्रसर हैं तो वहां भी उनको ऋण की व्यवस्था की जाएगी। पशुपालन की बात है, आज के दिन में किसान के लिए पशुपालन सबसे बड़ा फोकस होता है। खेती के साथ साथ उसके उसके आकार एक जो निश्चित और जो परमानेंट है जिसको कहते हैं हमेशा चलने वाला जिसके साथ साथ ज्यादा हो सकता है पशुपालन में जी। इसलिए पशुपालन किसान के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, सिर्फ खेती पर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो ये जरूरी कि देखिए जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे आ सकती है, एक ही अगर हम कृषि की बात करते हैं तो सिर्फ कृषि से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी बल्कि जो कृषि से जुड़े तमाम आयाम हैं उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। और खासतौर से डॉक्टर काम्बोज अगर हम जब बात करते हैं व्यावसायिक डेयरी की, इसमें प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण रहता है। अगर सामान्य डेयरी के मुकाबले हम बात करें, किस तरह की तकनीकी जानकारी जो है वो लगातार दी जाती है? जी जी चलिए बिल्कुल, और अधिक आमदनी जो है आपको मिल सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मदन जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो डेयरी के संबंधी लोन दे रही है सर गवर्नमेंट, तो वो हमारे यहाँ बैंक बड़ौदा बैंक है उसके अंदर तो कोई लोन की इनको पूछा तो वो बोल रहे कोई सुविधा नहीं है। जी आपको सीधा मना कर दिया गया। मदन लाल जी का जी, मदन लाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ सर जी। डॉक्टर कामराज, सवाल आया है हमारे पास चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मदन लाल जी का कि ये चाहते हैं व्यावसायिक स्तर पर डेयरी की शुरुआत करना, लेकिन इसके लिए ऋण की इन्हें आवश्यकता थी और इनके निकटतम जो एक बैंक था निजी बैंक ये वहां भी गए थे, लेकिन इन्हें यही जानकारी मिली कि इस तरह के जो ऋण है उनके पास उपलब्ध नहीं है और इनको ऋण नहीं मिल सकता, जिसके बाद ये अपना जो डेयरी फार्मिंग है इसको शुरू नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? जी 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 बिल्कुल, ये सुविधा हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अगर शुरुआत में ही डॉक्टर काम्बोज कुल कितने जो पशु हैं उनके साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कम से कम संख्या में? जी हम्म,
जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको जो ऋण की सुविधा है वो उपलब्ध हो सकती है, और जो अलग अलग राज्यों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर पशुपालन के लिए भी योजनाएं चल रही हैं, और इसमें जैसे कि डेयरी व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अनुदान भी मिल सकता है डेयरी के निर्माण के लिए भी। और विस्तार से आपको सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं ना सिर्फ राष्ट्रीय कामधेनु योजना के बारे में, बल्कि व्यावसायिक डेयरी की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह का प्रबंधन आपको इसमें अपनाना होगा। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ जगदीश जी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं डेयरी के बारे में जानना चाह रहा था। जी हमने एक गुजारिश करना चाहेंगे आपसे, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हमारा एक प्रोजेक्ट हमने बना के जिले में दिया था। जी सर मैं बाहर आ गया हूँ टीवी से। जी सुन रहे हैं आपको। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया था डिस्ट्रिक्ट में। जी तो उन्होंने बोला कि आप मतलब बैंक से पहले बात कर लें कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। तो मुझे 3 से 4 बैंकों में वो फाइल को इधर उधर करना पड़ा था, और वो बैंक मैनेजर कभी मतलब रिप्लाई नहीं करते। फिर वो बोलते कि डेयरी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है। जी तो ये मतलब परेशानी रहती है कि कई बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता। जी जी मोस्ट ऑफ टाइम सर मतलब मैंने कम से कम 4 बैंकों में मेरी फाइल को एक बैंक से उठा के दूसरी बैंक में, तीसरी बैंक से चौथी बैंक में ऐसे करके दी। और फिर एट लास्ट मतलब जैसे कोरोना नहीं आया था इसके पहले, अभी तो कोरोना आ गया तो उन्होंने मना ही कर दिया, बट इसके पहले भी उन्होंने बोला कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपको। जगदीश जी जो आपके जिले में पशुपालन विभाग है वहां पर आपकी किसी से मुलाकात हुई थी, वहां पर आपने जानकारी साझा की थी? पशुपालन विभाग से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो लोन के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जैसे ऑनलाइन होता है पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, जी लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जमा करते हैं जिले में। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक के पास भेजते हैं। जी 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 वो भी हमें ही लेके आनी पड़ती है, मतलब वो हमें दे देते हैं कि हाँ जस्ट आपका हो गया है, अब आपको कौन सी बैंक में जाकर ले जाना है वो आप ले जाके डालिए। तो देखिए तैयारी भी रक्षा भी इन्होंने पूरी की, लेकिन आखिर में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर खन्ना क्या कर सकते हैं हम? तो
जी जी और बाकी अपनी जो कागज जैसे कह रहे की बैंकेबल प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी होती है जी। डॉक्टर कामोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि जगदीश जी ने हमें बताया कि अपने स्तर पर इन्होंने बेहतर तरीके से जो रिपोर्ट है वो भी तैयार करी, उसके बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बैंकों के इन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि जो किसान है लगातार कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू कर पाए, लेकिन किसी कारणवश जो ऋण की सुविधा है वो नहीं मिल पाती और पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जी 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 बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर कामबोज जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया था कि कैसे जो व्यावसायिक डेयरी है इसकी हम स्थापना कर सकते हैं, कम से कम शुरुआत में 10 पशु हमें रखने होंगे, और इसके लिए भी जैसा कि यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर खन्ना हमें बता रहे हैं कि जो राज्य हैं उनकी अलग अलग योजनाएं हैं, तो क्या एक जो आधारभूत ढांचे की हम बात करते हैं उसके लिए किस तरह का अनुदान किसानों को मिल सकता है, पशुपालकों को? जी 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 चलिए बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर कामबोज। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटनी मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ जी शिव जी, पशु विभाग जो है और वेटनरी डॉक्टर मेरी पूरी हेल्प की सर, उन्होंने 6 महीने में परेशान हुआ लेकिन पशु चिकित्सक ने मेरी पूरी हेल्प करी, तहसील बिजी राघोगढ़ वाले मेन चिकित्सक जो वेटनरी वाले मेरा पूरा केस बैंक तक लेके आए जी। लेकिन वहाँ बैंक मैनेजर वर्गला देते हैं और मुझे लोन नहीं दिया उन्होंने जी। क्या कहा गया उनकी तरफ से? उनके आज आइए कल आइए आज आइए कल आइए बस हो गया, आप आते जाते रहो कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसके बाद सब संडे बस्ते में जी। ये मेरी बड़ी परेशानी नहीं है, ये आपके माध्यम से मैं ये सरकार को ये अपनी शिकायत बता रहा हूँ कि ऐसा होता है गरीब किसानों के ऊपर, ये पेपर मीडिया में अलग चीज रहती, जमीनी स्तर में हम लोगों से यही हो रहा है जी। बिल्कुल, ये तमाम समस्याएं जो हैं वो हमारे किसानों पशुपालकों के सामने रहती हैं, और खासतौर से जी हमारे मदद करते हैं लेकिन बैंक मदद नहीं करता जी। आखिरकार जब डॉक्टर खन्ना हमारे किसान जो हैं पूरी कोशिश देखिए करते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो पशुपालन विभाग की तरफ से पशु चिकित्सक थे उन्होंने भी इनकी मदद करी, सारी जानकारी इनको मुहैया कराई, लेकिन जब बैंक पहुंचते हैं तो वहां पर प्रबंधक की तरफ से उतना सहयोग नहीं किया गया और प्रोजेक्ट इनका बीच में ही रह गया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन प्रणाली जो है वो आ चुकी है, पोर्टल आ चुके हैं, क्या अब जो किसान है उसको और इस तरफ रुख करना होगा? जी जी जी
रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी एजेंसी से बनाई जैसे एक्सपर्ट से बनाई जाए जो बैंकों की जी उसके बिना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान भाई ने कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट में कहीं कोई चीज रह गई जो बैंकों की जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर खन्ना जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से अब केसीसी में प्रावधान किया गया है जो हमारे पशुपालक हैं उनको ऋण की प्राप्ति हो सकती है तो क्या एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी हमारे जो किसान हैं पशुपालक हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? जी चलिए बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर कामोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे जैसे कि आपने कहा कि हमें जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं हमारे जो डेयरी होगी किस तरह की होगी तमाम बातें हमें उसमें बतानी पड़ती हैं और ऐसे में जो प्रबंधन की जब बात कही जाती है वो कितना महत्वपूर्ण क्या उसके लिए हम ये माने कि जो हमारे पशुपालक हैं उनके पास एक प्रशिक्षण जो है वो बेहद जरूरी है? जी 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 बिल्कुल। तो देखिए जो ऋण सुविधा आपको मिलती है उसकी निकासी आप अलग अलग अनुपात में करें जिससे आपकी तमाम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति समय रहते हो सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से गौपालन की अगर हम बात करते हैं उनके संवर्धन संरक्षण की बात करते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है राष्ट्रीय कामधेनु योजना में कि ना सिर्फ जो संरक्षण है हमारी जो देसी नस्लें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा जो पशुपालक हैं इनका भी पालन कर सकें? जी उसी के साथ साथ किसान के लिए एक ऐसा वातावरण है जिसमें वो अच्छे से फसल को पाल सके जी। तो पशु अगर अनप्रोडक्टिव हो जाता है तो भी वो कुछ इस तरह से कुछ अनप्रोडक्टिव कुछ मेहनत करे ऐसे मॉडल्स पे काम करे कि वो उसकी वापसी कमा सके जी। ये इसका मेन उद्देश्य यही है और जो आगे उसके सुधरी करते हैं इसके ये जरूरी नहीं है कि वो दूध देने वाले पशुओं से ही कमाए दूध ना देने के बावजूद भी उन पशुओं से कमा सके ये उसका ये काफी महत्वपूर्ण। इस पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हाँ सर नमस्ते जी महेश जी आपकी आवाज हमें मिल रही है सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे डेयरी के लिए लोन लेना है सर जी मैंने ये नहीं सर लोन नहीं देते। कितने पशुओं से शुरुआत करना आप चाह रहे हैं डेयरी के लिए? सर मैंने 6 गाय खरीदी थी अगली साल जी जून में जी। सर ये किरार नहीं हूँ मैं किरार हूँ किरार जी। महेश जी सुन पा रहे हैं आपको? सर मैं ये बोल रहा हूँ मैंने अगली साल 6 गाय खरीदी थी जी तो मैंने सर
मतलब मैंने दूध के लिए पशुपालन डेयरी के लिए खोली थी, तो व्यवसाय मेरा ठीक ठाक चला, बहुत बढ़िया चला। मैंने 10 महीने गाय को लगाई जी। इसके बाद सर मुझे और गाय की भैंस की जरूरत पड़ी, तो सर बैंक वालों के पास गया, मैनेजर के पास, तो उन्होंने सर मुझे लोन देने से मना कर दिया जी। तो यानी और जो डेयरी आप उसको और बढ़ाना चाहते थे वो बढ़ा नहीं पाए? हाँ, बढ़ा नहीं पाया सर। चले बिल्कुल। डॉक्टर कामो जी, ये स्थिति महेश जी के सामने आई कि 6 गायों से इन्होंने शुरुआत की अपनी डेयरी की, और जैसा आपने कहा कि कुछ समय बाद हमें अब जो पशु हैं उनकी संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। महेश जी भी ऐसे ही कुछ चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें बैंक से ऋण की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में इनको क्या करने की सलाह आप देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल जी। लेकिन देखिए, जो समस्या है पशुपालकों की आमतौर पर यही रहती है कि कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन बैंक जाने तक जो एक कोशिश उनकी थी वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आने लगती है, क्योंकि उतना शायद सहयोग नहीं मिल पाता या कुछ और किसी कारण की वजह से एक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन जरूरी यही कि ऐसे समय में क्या समाधान उनको मिल सकता है, इस पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त उछला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। Thank you.
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय कामधेनु योजना के बारे में, और साथ ही व्यवसायिक स्तर पर आप डेयरी की स्थापना कैसे कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। यहाँ डॉक्टर खन्ना, एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। जैसा कि लगातार जो हमारे किसान हैं उनके सवाल आ रहे हैं कि समस्या कहीं ना कहीं आड़े आती रहती है, क्या इन्हीं समस्या के समाधान के लिए हम मान सकते हैं जो हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, इसको इसकी शुरुआत की गई, इसको बनाया गया? बिल्कुल। और उसके बावजूद भी किसान चलिए बिल्कुल यानी आत्मनिर्भरता देखिए कैसे आ सकती है इस क्षेत्र में भी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? खरगोन से हमारे साथ जुड़े हैं। हरे राम जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ, जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ सर, हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? जी जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे भैंस पालन के लिए सर अपन को लोन भी लेना है, और कौन सी नस्ल का पालन करना चाहिए जिसे जी सर, भैंस पालन के लिए कौन सी नस्ल का मतलब पालना चाहिए? चलिए बिल्कुल, ऋण भी आप इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, और कौन सी अच्छी नस्ल रहेगी, दूध भी ज्यादा उत्पादन मिल सके और जिससे हमारा पशुपालन में लाभ मिल सके। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर काम्बोज एक और सवाल आपके लिए यहाँ पर आया है। खरगोन मध्य प्रदेश से हरिराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि ऋण की व्यवस्था कैसे हो सकती है और कौन सी अच्छी नस्ल रहेगी अगर अच्छा दूध उत्पादन मिले, अच्छा मुनाफा इनके लिए हो सके, भैंस की ये नस्ल जानना चाह रहे हैं। जी जी
जी बिल्कुल, इसके साथ ही आप हिसार में देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब बात अच्छी नस्ल की जाती है और कैसे आपको उसके जरिए अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जरूरी तभी होगा जब पूरी तरीके से आप प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो पाई है, लेकिन अगर अभी तक हम देखें, क्योंकि ना सिर्फ जो हमारे पशु हैं दुधारू पशु उनके जरिए तो फायदा होता ही है, लेकिन जो दूसरे पशु हैं उसके जरिए कैसे एक पशुपालक को और आमदनी मिल सकती है? जी जी बिल्कुल जी, चलिए बिल्कुल। देखिए कई तरह के अन्य उत्पाद हैं वो तैयार हो जाते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका, हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं जी? जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना, महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्ते सर, महेंद्र जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्कार। जी महेंद्र जी, जी जी आपको बेहतर ढंग से सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, सर मैं लगभग सर 2 साल से तो पापा के साथ डेयरी कर रहा हूँ मैं, मतलब डेयरी का थोड़ा बहुत काम जी सर, मैं और उसको सर बढ़ाना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट फाइल सर किस प्रकार की होना चाहिए कि मतलब बैंक को सर एक लाभान्वित कर सके सर, उनको लुभा सके मेरे, मतलब किस प्रकार की डेयरी की वो जो प्रोजेक्ट फाइल होती वो होना चाहिए कि? डॉक्टर काम्बोज ये सवाल आपके लिए है, महीन जी का विदिशा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। जैसा आपने कहा कि उसमें जब तक बैंक को नहीं लगेगा कि उनको जो अगर वो ऋण दे रहे हैं वो वापस मिल सकेगा या उनको लुभाने की बात हम करें, कैसे इसको और बेहतर ढंग से बना सकते हैं, कहां से इनको ये जानकारी मिलेगी? जी 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 चलिए बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ एक खास बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, और इसके बाद जैसा डॉक्टर काम्बोज ने कहा कि कोई इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर फिर भी आती है तो ना सिर्फ आप राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है वहां संपर्क कर सकते हैं, इसके साथ ही आपके जिले में या निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, आप वहां भी जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Thank you.
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लुगिसान में। लगातार हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है, जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे डेयरी का जो है सर ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए कि सर किस प्रकार से मैं उसे सफलतापूर्वक कर सकें, तो उसके लिए सर मुझे कहाँ पे मतलब संपर्क करना पड़ेगा? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर काम्बोज दुर्गेश जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और ये प्रशिक्षण करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, कहाँ या मध्य प्रदेश में ही ये कर सकते हैं या NDRI में भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए? जी 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 साथ ही डॉक्टर काम्बोज जानना चाहेंगे, जिस प्रशिक्षण का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी जानकारी इनको कहां से मिलेगी? क्या संस्थान की वेबसाइट पे इन्हें उपलब्ध होगी या कोई टोल फ्री नंबर जहां से ये जानकारी ले सकें? जी जी साथ ही डॉक्टर काम्बोज जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे किसान भाई हैं पशुपालक हैं जो जो व्यावसायिक स्तर पर डेयरी फार्मिंग करते हैं, उन्हें फिलहाल इस मौसम में किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए? जी 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 बिल्कुल, इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा और ये आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर काम्बोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एनराई करनाल से डॉक्टर एम एल काम्बोज हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे किस तरीके से व्यवसायिक स्तर पर डेयरी फार्मिंग की स्थापना आप कर सकते हैं और इसके लिए प्रबंधन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब जैसे कि रोग या बीमारियों की हम बात करते हैं और एक व्यापक स्तर पर सरकार की कोशिश रही है कि हम FMD मुक्त कर पाए हमारे जो पशु हैं उनको, या टीकाकरण को एक मुहिम के रूप में ले पाए, किस तरह से आने वाले समय में और योजनाएं ये नजर आएंगी जिनका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। उसके अलावा एक चीज और भी जो मौसम में करने की है वो है कि फसलों के अंदर जो मच्छर मक्खी जो बारी कटी है जी, उसके साथ में पेट के कीड़े भी इस तरह में भोजन आ जाते हैं अंत परजीवी, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए भी जी बिल्कुल जी, न सिर्फ प्रोडक्शन, अगर डॉक्टर खन्ना में देखें जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो इसमें पशुपालन का भी एक अहम योगदान है, और जैसे आपने कहा कि अगर पशु निरोगी रहेंगे तो और ज्यादा जो लाभ है मुनाफा है वो पशुपालकों को हो सकेगा अपनी लागत को कम करके। जी 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 तो उसके साथ में पशु की इम्यूनिटी अंदर से बढ़ जाती है, तो काफी बीमारियों से लड़ने में जैसे पशु को तो देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अगर उसमें पशु का विकास और होता है तो आपकी लागत कम होगी और यहाँ पर और अच्छा मुनाफा आमदनी जो है वो आपको हो सकेगी। फिलहाल डॉक्टर अक्षय खन्ना आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने किस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय कामधेनु योजना है ये काम कर रही है, उसके लिए बाकायदे एक आयोग बनाया गया है, और फिलहाल व्यावसायिक स्तर पर अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप इसकी स्थापना कर सकते हैं और वहां पर आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा। अब चलिए आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर सकें। कल का विषय रहेगा मेंथा की खेती में फसल प्रबंधन और खरीफ दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। कल के विषय आपने जान लिए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहां भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो अलग अलग विकल्प आपके पास, अलग अलग माध्यम आपके पास, जिसके जरिए आपकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल अब वक्त चला आपसे विदा लेने का, फिर हाजिर होंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।